हेलो एवरीवन, आई एम विनीता शर्मा, यू ऑल आर वेलकम इन इकोनॉमिक शाला। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। जो हमारा डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, आइए देखते हैं। कैसा था हमारा डिमांड कर्व? नेगेटिवली स्लोप था, ऐसा था ना हमारा डिमांड कर्व, जो किसमें रिलेशनशिप बताता था? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप बताता था कि एक के बढ़ने पे दूसरे पे कमी आती है और दूसरे के घटने पे पहले वाले में इंक्रीमेंट होता है। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये नेगेटिवली स्लोप क्यों होता है, इसके रीजंस ये हैं। फाइव रीजंस आर देयर। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड, इनकम इफेक्ट। थर्ड वन इज न्यू कंज्यूमर्स। फोर्थ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिफ्थ वन इज वेरियस यूज ऑफ कमोडिटी। आइए वन बाय वन इन्हें हम देखते हैं कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। जो भी हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है वो हमारी यूटिलिटी होती है। एंड मार्जिनल हो गया एक्स्ट्रा, डिमिनिशिंग हो गया डिक्रीज। जो जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं तो हमारे सेटिस्फेक्शन में कमी आती जाती है, तो वो क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो कंज्यूमर कब तक कंज्यूम करेगा? जब तक उसका सेटिस्फैक्शन और उसकी प्राइस बराबर नहीं हो जाती। मान लीजिए आप एक समोसा कंज्यूम कर रहे हैं, तो पहले आपने फर्स्ट समोसा खाया तो आपको बहुत अच्छा लगा, आपने बोला बहुत टेस्टी है, तो आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया उसका तो आपको और अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही आपने थर्ड किया तो आपकी नीड फुलफिल हो गई, अब मैं नहीं खा सकता, तो आप उसके बाद कंज्यूम करना बंद कर देंगे क्योंकि आपकी नीड फुलफिल हो गई। तो कंज्यूमर कब तक कंज्यूम करेगा? जब तक उसकी यूटिलिटी उसकी प्राइस के बराबर नहीं हो जाती। मान लीजिए एक साइड आपने प्राइस ले ली, एक साइड आपने कमोडिटी की यूटिलिटी ले ली। तो अब किसी कमोडिटी की प्राइस 10 है, आप उसकी पहली यूनिट कंज्यूम करी तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला 50, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करी तो आपको मिला 30, डिक्रीज होता जा रहा ना। थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो आपको 20 और लास्ट करी तो 10। अब इसके बाद क्या करेगा? वो कंज्यूम करना बंद कर देगा क्योंकि यहाँ पे उसकी प्राइस एंड यूटिलिटी इक्वल हो गई है। अब बोलेगा इससे ये कहाँ रिलेट हो रहा है, इससे रिलेट कैसे होगा? अब ये कंज्यूम कब करेगा? जब हमारी प्राइस फॉल होगी। जैसे ही हमारी प्राइस फॉल होती है तो ये क्या करेगा, उसकी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, जैसे ही प्राइस फॉल हुई तो इसने दो यूनिट और एक्स्ट्रा कंज्यूम कर ली। नाउ सेकेंड इज इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट में हमारी कंज्यूमर की इनकम तो सेम रहती है, एज इट इज रहती है, अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जो हमारी रियल इनकम होती है वो बढ़ती या कम हो जाती है, उसमें चेंजेस आते हैं, या फिर परचेसिंग पावर। अभी क्या होती है, मान लीजिए आप एक एप्पल 1 kg खरीद पाते थे 100 rupees में, अब उसकी प्राइस फॉल हो गई कितनी रह गई, 80 rupees। तो अब आप उसकी क्या करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी रियल इनकम बढ़ गई है। जैसे ही हमारी प्राइस फॉल होती है तो हमारी रियल इनकम, हमारी परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे ये 20 rupees यहाँ बढ़े ना, हमारी सेविंग हुई, ये क्या है, हमारी परचेसिंग पावर या रियल इनकम प्राइस फॉल होने से। तो हमारी रियल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ते ही हम क्या करेंगे, उसी चीज की क्वांटिटी की डिमांड ज्यादा करने लग जाएंगे। जैसे ही उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम करने लग जाएंगे। थर्ड है हमारा न्यू कंज्यूमर्स। न्यू कंज्यूमर्स में आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक मैगी है, तो मैगी पहले 100 rupees में हमारे को पैक मिल रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स तो है ही, लेकिन जैसे ही इसकी प्राइस फॉल हुई या कोई डिस्काउंट आ गया तो लोगों ने बोला चलो इसकी प्राइस तो डिक्रीज हो गई, इसको टेस्टी करके देख लेते हैं, ये क्या है, ये जो बजट में नहीं थी वो सोचेंगे कि ठीक है हम इसको ट्राई करें, तो न्यू कंज्यूमर भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही प्राइस फॉल होती है तो न्यू कंज्यूमर्स ऐड होने लग जाते हैं और डिमांड इंक्रीज हो जाती है, एंड जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है तो न्यू कंज्यूमर्स निकलने लग जाते हैं, हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टी एंड कॉफी का। जैसे ही हमारी टी की प्राइस बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, हम कॉफी की तरफ स्विच हो जाएंगे, हम टी की डिमांड कम करने लग जाएंगे, हम कहेंगे कि हम टी की जगह कॉफी भी लेंगे।
तो इसमें जैसे ही टी की प्राइस बढ़ती है तो हमारी टी की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, बट हमारी कॉफी की जो प्राइस है वो अनचेंज रहेगी। सिर्फ चेंजेस किस में आएगा? टी की प्राइसेस में। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज वेरियस यूज ऑफ कमोडिटी। वेरियस यूज किस किस के हो सकते हैं हमारे? बहुत सारी चीजों के, लाइक फूड, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब के क्या ऑल्टरनेट यूजेस बहुत सारे हैं। अभी क्या चल रहा है? अभी जैसे अनियन चल रहा है, अनियन की प्राइसेस बढ़ गए तो हम क्या करेंगे? उसका अननेसेसरी यूज कम कर देंगे, हम उसके ऑल्टरनेट यूज कम कर देंगे, हम उसको कम सब्जियों में यूज करेंगे, जहां नेसेसरी है वही यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे इसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो हम उसके ऑल्टरनेट यूज कम करने लग जाते हैं, और ऑल्टरनेट यूज कम करते ही हम उसकी डिमांड भी कम कर देंगे। जैसे ही प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड ज्यादा करने लग जाएंगे, हम उनको बहुत सारी डिशेस में यूज करने लग जाएंगे ऑल्टरनेट यूज बढ़ा के। तो ये हो गया हमारा वेरियस यूज ऑफ कमोडिटी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।